अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो लखनऊ से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आई हैं। आप गीत, गजल, छंद, मुक्तक, दोहा आदि लिखती हैं। आप हैं आर्यावर्ती सरोज आर्य जी। आर्यावर्ती सरोज आर्य जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार सरोज जी, हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हम आपसे पहला प्रश्न करते हैं कि आपको साहित्य लेखन की प्रेरणा कब और कैसे शुरू हुई? ओम प्रकाश जी, साहित्य की प्रेरणा मैं क्या कहूँ, कुछ याद ठीक से नहीं है। बचपन में ही जब मेरी माँ कभी मुझे अकेले छोड़ के चली जाती थी तो एकांत बस, जो मुझे थोड़ा भय बच्चों को लगता है किसी भी कुत्ते बिल्ली हो या फिर हॉरर मूवी, तो इस डर से बचने के लिए मन से उत्प्रेरित कुछ गीत भगवान को लेके कुछ गीत वंदन उपज जाती थी, जिससे वो शब्दों के माध्यम से मैं गुनगुनाने लगती थी और वहीं से स्टार्ट हुआ मेरा। आप शब्दों को जो गुनगुनाती थी वो सुने सुनाए शब्द हुआ करते थे या आपके अपने कृति, आपकी कृति हुआ करती थी? मेरे अपने अंतर मन से निकलते थे वो। जी, 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 वो किसी के सुने हुए नहीं, कोई जो प्रायः गाए जाते हैं वो कैसे, किसी प्रकार के गीत नहीं, वो मेरी अंतर मन से निकले हुए उपजे हुए गीत होते थे। तो मुझे लगता था, तब भी उस वक्त भी एहसास होता था कि ये मेरा है, ये मैंने, ये गाना मैंने गाया है, मैंने बनाया है, भगवान के लिए भजन गाया है, कीर्तन गाया है, ऐसे कुछ। फिर उसको मैं कागजों पे उकेरने लगी और फिर उकेरते, हमारे घर में पढ़ाते थे हमारे ट्यूटर, तो उन्हें मैं अपने सर, वो कुछ कहानियाँ, कुछ नाटक, एकांकी वगैरह मैंने लिखे थे, कविताएं लिखी थी, गीत लिखे थे, तो वो मैंने अपने सर को दिखाया। सर ने कहा कि, सर ने देखा, एक एक पढ़ा, बहुत खुश हुए और कहे बहुत अच्छा लिख रही हो तुम लिखती रहो जी। और तो सर ने मुझे थोड़ा प्रोत्साहित किया। जी। तो उससे मैं, मुझे बहुत ढाढ़स मिला, मैं खुश, अंतर प्रेरणा मिली जी, जी, जी। सर की प्रेरणा मिली और फिर मैं निरंतर उसमें करती रही। ये कहे कि ये आपको प्राकृतिक या ईश्वरीय जी सहयोग है कि आपने जो है बचपन से ही जी। इस तरह से तो माना जाए तो हमारे घर में कोई साहित्य से जुड़ा हुआ नहीं है। पिताजी साहित्य को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन लिखने का कभी किसी परिवार में किसी ने कभी नहीं लिखा, तो वो मैं ही हूँ, शुरुआत मेरे से ही हुई और वो बचपन से है, तो ये मैं मानती हूँ कि ईश्वरीय कृपा ही मुझ पर रही है। आप भाग्यशाली हैं कि गॉड गिफ्ट में आपको लेखन मिला है। जी, माँ सरस्वती की कलम आपको मिली है। वो पूर्णतः मैं माँ सरस्वती को मानती हूँ कि माँ सरस्वती की पूर्णतः मेरे ऊपर कृपा है, क्योंकि परिवार में ऐसा कोई नहीं है और आसपास नहीं है रिश्ते, मतलब मान के चलूं मेरी रिश्तेदारी में भी कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कोई, और फिर ये मेरे अंदर कहाँ से आया, तो मुझे गॉड गिफ्ट ही मानी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं सरोज जी आपको। सरोज जी, अब तक आपकी साहित्यिक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? अब तक मेरी तीन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, काव्य संग्रह सरोज काव्य मंजरी, कहानी संग्रह कुछ पन्ने जिंदगी के, और उपन्यास छोटी मालकिन, उपन्यास छोटी मालकिन है स्त्री एक तितिक्षा करके। अच्छा, तो संसद भवन में उसका विमोचन हुआ था और वहां से मुझे अवार्ड भी मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। सरोज जी, आप यूँ तो गीत, गजल, छंद, मुक्तक आदि लिखती हैं जी, आपके लेखन की विशेष मूल शैली क्या है? गद्य में मैं ज़्यादा लिखती हूँ, गीत गजल लिखती हूँ, गीत है और गद्य में मैं प्रायः, मेरा ज़्यादातर रचनाएं मेरी जो हैं वो आपको गद्य में मिलेंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सरोज जी, हम आपसे चाहेंगे कि ट्रू मीडिया के दर्शकों को कोई अपनी प्रिय रचना गद्य में हो या पद्य में हो सुनाए ताकि वे भी आनंद ले सकें। जी पद्य में है और गेय है तो मैं इसे गा कर सुनाती हूँ। जी स्वागत है आपका। कुछ
कुछ जिम्मेदारी निभा लिया, कुछ जिम्मेदारी बाकी है, कुछ जिम्मेदारी निभा लिया, कुछ जिम्मेदारी बाकी है, कुछ ख्वाहिशें हुई हैं पूरी, कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं, कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी हैं, कुछ हम होने लगे आपके, कुछ हम होने लगे आपके, कुछ आपका होना बाकी है, कुछ सपने लिए पलकों पे, कुछ ख्वाब सजाने बाकी है, कुछ ख्वाब सजाने बाकी है, कुछ हमको कहना बाकी है, कुछ तुमको सुनना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है, अच्छा तो अब हम चलते हैं, अभी प्यार निभाना बाकी है, अच्छा तो अब हम चलते हैं, अभी प्यार निभाना बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत मार्मिक रचना, एक तस्वीर बन रही थी आपकी रचना से, जैसे चित्रावली चल रही है, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है आपने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सरोज जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं, आपको कैसा लगता है? सम्मान मिलना देखिए सबको अच्छा लगता है जी, मुझे भी अच्छा लगता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि सम्मान मिलने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जी, और मन में और प्रेरणा आती है लिखने की, जागरूकता, इंसान और इच्छुक हो जाता है जी, जी, और अपनी जिम्मेदारियों को और ज्यादा समझने लगता है, और फिर जितना सम्मान मिलता है उससे वो और बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होकर ऊर्जावान होता है। जी 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 जी, ऊर्जा तो बहुत समाहित हो जाती है, और वही ऊर्जा जो है वो अपने लेखन में निरंतर उस प्रतिभा को और निखारती है, और प्रतिभावान व्यक्ति बनता जी, है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। सरोज जी, आपकी साहित्य को लेकर भविष्य की योजनाएं क्या है? देखिए, गीत गजल तो ओम प्रकाश जी, गीत गजल आजकल आप देखेंगे बहुत लोग लिख रहे हैं, कविताएं बहुत लिख रहे हैं, मंचों पे गा रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी इससे, इन सब से हट के अलग, मेरा विचार है कि मैं देखी एक छोटे तबके के लोग जो एकदम बहुत जो ऐसे कामकाजी महिलाएं जी, नियम श्रेणी की जो हैं, जिनको खाने के लिए बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, ऐसी औरतें हैं जो संघर्ष कर रही हैं, उस स्तर पर भी उनके पति का सहयोग नहीं है, या तो किसी के पति नहीं हैं, या किन्हीं के पति छोड़ के चले गए हैं, या जिनके हैं वो दारूबाज, वो दारू समाज जी उसमें शराब आदि के आदि हो चुके हैं, और वो उनको किसी भी प्रकार से अपने पति से कोई सहायता नहीं मिलती, उल्टा जो वो कमा के लाती हैं चार पैसे बर्तन माँज के या जो भी काम काज करके, वो भी वो छीन लेते हैं। ऐसा ऐसे मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात किया, तो मेरे अंदर मुझे लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इन लोगों के लिए काल्पनिक कथा छोड़ के क्यों नहीं मैं इनकी रियल स्टोरी लिखूं, और ये इनकी दुख, इनकी व्यथा मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के पास लेकर जाऊं, और उनसे निवेदन करूं कि आप इनके लिए कुछ करिए। वाह, बहुत अच्छे विचार हैं, और जहां तक मेरे से संभव हो सके मैं भी उनके लिए कुछ करूं। बहुत बढ़िया, बहुत नेक कार्य है आपके, भविष्य की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपकी भविष्य की योजना यूं ही फलीफूत होती रहे। सरोज जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करते हैं जी। जैसा कि कोई पुरुष शिखर तक जाता है या कहीं कामयाबी पर जाता है, तो उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, वो स्त्री माँ होती हो सकती है, बहन हो सकती है, पत्नी हो सकती है, या मित्र हो सकती है जी। लेकिन आप एक स्त्री हैं, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? सबका है अभी तो जी, सब हैं, पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर, माता पिता जी, सब भाई बहन जी, 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 सब सहयोगी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में काफी संघर्ष करना पड़ा जी, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादातर महिलाओं को करना पड़ता है जी संघर्ष,
लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि विचार और कुछ करने की जिज्ञासा जो है ना वो हर सबके अंदर होती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। वाह वाह वाह, वो जिज्ञासा सबके अंदर होती है। एक बहुत सारे लोगों में बहुत कुछ करने की योग्यता भी होती है और इच्छाएं भी होती हैं, आकांक्षाएं। जी मौके जी नहीं मिल पाते, मौके भी मिलते हैं बहुत बार तो, लेकिन परिवार के लोग ही उसे मतलब बाध्य करते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते, रोका जाता है उन्हें। और तो आप ये तमाम किसके लिए कह रहे हैं, स्त्री के लिए कह रहे हैं या पुरुष के लिए? स्त्री के लिए। अच्छा, विशेषता आप स्त्री के लिए कह रहे हैं? जी, विशेषता स्त्रियों के लिए ही है जी, क्योंकि आप पुरुषों के लिए उतना नहीं है, और उनके लिए आर्थिक हो सकता है या किसी तरह का, लेकिन स्त्रियों के लिए है। उनको आगे बढ़ने से में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और मेरा यही निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि प्रोत्साहित करें, ना कि निरुत्साहित करें उन्हें। और सबको मेरा सबसे निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि किसी के घर में अगर कोई प्रतिभा जागृत होती है जी, तो उसे उसे उसके मनोबल को बढ़ाया जाए, जी, 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 उसे प्रेरणा दी जाए, उसे संबल दिया जाए, ना कि उसे निरुत्साहित करके उसे धराशायी कर दिया जाए। बहुत, तो बहुत अच्छे विचार, ऐसा होना चाहिए। सरोज जी बहुत अच्छे विचार हैं, आपने आधी आबादी का फेवर किया है, आधी आबादी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इस ट्रू मीडिया चैनल से आवाज़ उठाई है, और आप लखनऊ से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आपने अपने बेशकीमती समय में ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।